नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र मोहन वत्स। आज छोटा सा विषय ज्योतिष के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, गंडांत को लेकर चलते हैं। आज गंडांत पे हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए, ओम वत्तुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुम देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गणपतये नमः। आइए मित्र शुरू करते हैं। गंडांत जो है, ये गंड और अंत, जहां गांठ लगी हो जहां उसका अंत हो वो गंडांत कहलाता है। गंडांत ज्योतिष में तीन प्रकार से मुख्य रूप से देखा जाता है। तिथि गंडांत के रूप में, लगन गंडांत के रूप में तथा नक्षत्र गंडांत के रूप में। तो तिथि गंडांत को लेते हैं। तिथि गंडांत जो है उसकी दो घड़ी अशुभ होती है, जब दो तिथियों का मिलन होता है, जो नंदा तिथि और पूर्णा तिथि जब आपस में ट्रांजिट करती है नंदा से पूर्णा की तरफ, तब ऐसी, या पूर्णा से नंदा की तरफ, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो नंदा तिथि है हमारी प्रथमा, षष्ठी और एकादशी। इसकी शुरू की एक घड़ी अशुभ होती है और पूर्णा तिथि होती है पंचमी, दशमी, पूर्णमासी, अमावस्या, और इसके अंत की एक घड़ी अशुभ होती है। तो जब पूर्णा समाप्त होकर के और नंदा आती है तो ये गंड क्षेत्र कहलाता है, जहां पर किसी ग्रह का गोचर अगर हो तो जीवन में उस ग्रह द्वारा बाधाएं उत्पन्न होती हैं, या उस पॉइंट से जब भी कोई ग्रह ट्रांजिट करता है तो वहां पर विशेष रूप से प्रभावी होता है। दूसरे हम लगन गंडांत लेते हैं। लगन गंडांत के अंदर तीन राशियां हैं, जल राशियां जो हैं हमारी मीन, वृश्चिक और कर्क। तो जो मीन, वृश्चिक और कर्क के अंत की आदि घड़ी होती है वो शुभ कार्य में वर्जित है, और मेष, सिंह, धनु के आदि की शुरुआत की आदि घड़ी शुभ कार्यों में वर्जित है। यानी कि जब जल राशि से हम अग्नि राशि की ओर प्रवेश करते हैं तो वो गंड या एक गांठ के रूप में वो होता है, और ये अगर लगन पे पड़ जाए, जब ईस्टर्न होरिजन पर जब लगन उदय होता है उस समय हो तो विशेष रूप से प्रभावी हो जाता है। तीसरा नक्षत्र गंडांत होते हैं, गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। इसमें ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती, मूल, मघा और अश्वनी, ये छह नक्षत्र हैं जो गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती के अंत की दो घड़ी शुभ कार्यों में वर्जित हैं। मूल, मघा और अश्वनी की आदि की दो घड़ी शुभ कार्यों में वर्जित है या अशुभ है। जिन बच्चों का जन्म चंद्रमा इन नक्षत्रों पे हो तो उनको गंडमूल में उत्पन्न जातक कहा जाता है, और इनकी पूजा 27 दिन की पूजा 27 दिन बाद पूजा बतलाई जाती है, जो गंडमूल शांति करवाई जाती है। इसका एक विशेष महत्व है और विशेष पूजा होती है। तो ये जो छह नक्षत्र हैं इनकी अलग अलग पूजा होती है। यदि तिथि, नक्षत्र और लगन तीनों ही गंडांत में हो तो जातक का जन्म अगर उस गंडांत में हो, तीनों ही गंडांत लेकर उत्पन्न हो तो उस जातक का जीना बहुत मुश्किल है। अगर वो जीता है तो बहुत धनी होता है, एक राजा के समान होता है।
ज्येष्ठा नक्षत्र को देखते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जो जातक उत्पन्न होते हैं उनको हम 6-6 घड़ियों के हिसाब से, पूरे ज्येष्ठा नक्षत्र को 60 घड़ी का एक नक्षत्र होता है, 6-6 घड़ी के अनुसार 10 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर प्रथम भाग में जातक का जन्म हो तो नानी को कष्ट होता है, द्वितीय में हो तो नाना को होता है, तृतीय में हो तो मामा को होता है, चतुर्थ में माता को कष्ट होता है, पंचम भाग में अगर हो तो जातक को स्वयं को कष्ट होता है, षष्ठम भाग में हो तो गोत्र वालों को कष्ट होता है, सप्तम में हो तो परिवार कुटुंब को कष्ट होता है, अष्टम में हो तो भ्राता को कष्ट होता है, नवम में हो तो ससुर को कष्ट होता है, यानी विवाह उपरांत ससुर के लिए ये बच्चा भारी होता है, दशम में हो तो कुटुंब को कष्ट होता है। इसी प्रकार मूल नक्षत्र को भी 60 घड़ी को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे मूल वृक्ष, जो एक वृक्ष है उसमें शिखा है, फल है, फूल है, पत्र, जो पत्र होते हैं, जो उसके पत्तियां होती हैं वो हैं, शाखाएं हैं, त्वचा है उसकी जो, और स्तंभ है तो मूल है तो जड़ जो है उनमें डिवाइड किया गया है। अगर पहली 3 घड़ी में अगर हो तो अल्पायु होता है, दूसरी 4 घड़ियों में हो तो राजा के समान होता है, अगली 5 घड़ियों में हो तो राजा और मंत्री के समान होता है, उससे आगे 14 घड़ी जो है वो परिवार को क्षय करती है, परिवार का नुकसान पहुंचाती है, उससे आगे 9 घड़ी जो है मामा को कष्ट पहुंचाती है, उससे आगे 11 घड़ी में अगर जातक का जन्म हो तो भाई का नाश होता है, और आगे की जो 6 घड़ी हैं वो धन हीन करती हैं, धन हानि करती हैं परिवार के ना, और अंतिम घड़ी जो है मूल नाश करती है, मूल संपूर्ण नाश की ओर वो लेकर के जाती है। अब अश्लेषा नक्षत्र लेते हैं। अश्लेषा नक्षत्र को भी इसी प्रकार से, जो पहली 5 घड़ी हैं उसके हमने 10 हिस्से किए हैं, पहला 5 घड़ी का है, दूसरा 7 घड़ी का है, तीसरा 2 घड़ी का है, चौथा 3 घड़ी का है, पांचवा 4 घड़ी का है, छठा 8 घड़ी का है, सातवां 11 घड़ी का है, आठवां 6 घड़ी का है, नौवां 9 घड़ी का है और 10वां हिस्सा 5 घड़ी का है, कुल 60 घड़ी होती हैं। अगर प्रथम हिस्से में होता है तो राज्य प्राप्ति होती है, दूसरे में पिता को कष्ट होता है, तीसरे में माता को कष्ट होता है, चतुर्थ भाग में अगर हो तो परिस्थिति होता है जातक, और पंचम में हो तो पिता का भक्त होता है, पिता को मानने वाला होता है, सम्मान करने वाला होता है, छठे भाग में हो तो बलवान होता है, सप्तम में हो तो आत्मघाती होता है, स्वयं अपने को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, अष्टम में हो तो त्यागी होता है, नवम में हो तो भोगी होता है, और दशम में हो तो बलवान होता है। अब अश्वनी नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र का अगर प्रथम जन्म में जन्म हो तो पिता को बाधा होती है, दिन में जन्म हो तो पिता को कष्ट होता है, रात्रि में जन्म हो तो माता को कष्ट होता है, और संध्या के समय अगर जन्म हो तो स्वयं को कष्ट देने वाला। मघा नक्षत्र के प्रथम जन्म में मातु पक्ष को कष्ट हुए, द्वितीय चरण में पिता को कष्ट हुए, तृतीय चरण में सुख संपत्ति प्राप्त हुए, चतुर्थ चरण में धन प्राप्ति हुए। रेवती नक्षत्र, रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुए तो राजा हुए, दूसरे चरण में जन्म हुए तो मंत्री हुए, तीसरे चरण में जन्म हुए तो सुख संपत्ति मिले, चतुर्थ चरण में स्वयं को कष्ट हो गए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।